आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकित झा, मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आज मैं आपसे बात करूँगा कि जिनके दांत नहीं होते वो दांत कैसे लगवा सकते हैं। सारी ज़िंदगी हम मेनली दो चीज़ों के लिए कमाते हैं, एक लग्जरी या आराम और एक अच्छे खाने के लिए। अगर हमें आराम मिल रहा है, एसी में बैठे हैं, बट हमारे पसंद का खाना नहीं मिल रहा, तो मज़ा नहीं आता। लेकिन चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितने भी हम थके हों, अगर हमारे पसंद का खाना मिल जाए तो सारी थकान दूर हो जाती है। एक एज के बाद अक्सर लोग बोलते हैं कि अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब हम दांत लेके क्या करेंगे, या अब तो उम्र ही कितनी रह गई है बेटा, अब दांत का क्या करेंगे। लेकिन बहुत सारी स्टडीज़ और रिसर्च में ये देखा गया है कि एक उम्र के बाद तबीयत खराब रहने का और लाइफ कम हो जाने का बहुत बड़ा रीज़न है अच्छे से खाना नहीं खा पाना। जब हम ठीक से खाएंगे ही नहीं तो हमारे शरीर में ताकत कहाँ से आएगी और शक्ति कहाँ से आएगी। जब हम खाने को अच्छे से चबा के नहीं निगलेंगे, खाना हमें पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो खाने का जो मेन पर्पस होता है हमारी बॉडी को ताकत देने का, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए दांतों का रोल इसमें और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये भी देखा गया है कि अगर दांत अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, तो उम्र भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और सेहत भी अच्छी बनी रहती है। इसलिए ये ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए और अच्छे से खाने के बारे में सोचिए, सिर्फ किसी तरह से निगलने के बारे में नहीं। दांत लगाने के मेनली तीन तरीके होते हैं, एक ब्रिज, एक डेंचर और एक इम्प्लांट। ब्रिज में हम साइड वाले दांतों का सपोर्ट लेकर नकली दांत लगाते हैं। इसमें काफ़ी केसेस में साइड वाले दांतों का रूट कैनाल भी करना ज़रूरी हो जाता है, बट कभी कभी बिना रूट कैनाल के भी ब्रिज लग जाता है। इसमें अगर हम एक दांत को रिप्लेस करना चाहें तो हमें दो दांतों का सपोर्ट लेना पड़ता है, यानी कि तीन दांतों का ब्रिज बनता है। वैसे ही अगर हम दो दांतों को रिप्लेस करना चाहें तो तीन दांतों का सपोर्ट लेना पड़ेगा और टोटल 5 यूनिट का ब्रिज बनेगा। जितने दांत मिसिंग होते हैं उससे एक एक्स्ट्रा दांत का सपोर्ट लेना ज़रूरी होता है, तभी हमारे मुंह के सारे फोर्सेस प्रॉपरली काम करेंगे और ये ब्रिज लंबे टाइम तक चलेगा। दूसरा तरीका है डेंचर का। लोगों को लगता है कि ये तभी लग सकते हैं जब सारे दांत निकल गए हों, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक दांत की जगह पर भी डेंचर लग सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डेंचर बनवाए हैं लेकिन पहनते नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो पहनते हैं बट वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं। डेंचर बहुत ही टेक्निक सेंसिटिव प्रोसेस होता है, इसलिए ठीक से बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये ठीक से नहीं बना तो ये कभी एडजस्ट नहीं होगा और आप कभी इसे ठीक से खा नहीं पाएंगे। तीसरा तरीका होता है डेंटल इम्प्लांट्स का। इसमें हम टाइटेनियम से बने हुए जड़ों को बोन में सर्जिकली डालते हैं और कुछ टाइम में वो हमारे बोन के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्यूज़ होने के बाद हम उनके ऊपर फाइनल दांत लगा देते हैं। ये वही टाइटेनियम है जो हड्डी टूटने पर लगाई जाती है। ये तरीका सबसे लॉन्ग टर्म है और सबसे इफ़ेक्टिव है। इसका 25 साल के बाद का डॉक्यूमेंटेड सक्सेस रेट 97% है, यानी कि जितने भी इम्प्लांट्स लगे हैं 25 साल के बाद तक भी 97% इम्प्लांट्स और दांत ठीक रहते हैं। ये मिसिंग दांत के लिए पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, चाहे आप यूके चले जाएं, यूएस चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं या किसी भी और देश में जाके पता कर लें। ये बहुत सेफ है और इसमें दर्द सिर्फ उतना ही होता है जितना दांत निकालने के टाइम पर होता है। और ये कोई नया तरीका नहीं है, बहुत सालों से चला आ रहा है। इनफैक्ट जो पहला टाइटेनियम का डेंटल इम्प्लांट लगा था वो 1915 में लगा था, यानी कि आज से करीब 106 साल पहले, और वो कम से कम 40 साल तक चला था। तो ये तीन तरीके हैं दांत लगवाने के। और अगली बार जब भी आप खाना खा रहे हो और आपको लगे कि आप ठीक से नहीं चबा पा रहे हैं क्योंकि आपके दांत नहीं हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सिर्फ़ एक बार डेंटिस्ट के पास जाने से कुछ दिनों के बाद शायद आप बहुत अच्छे से टेस्ट लेके खाना खा पाएं। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं या मेरे क्लिनिक पे आना चाहते हैं तो इस कैप्शन में मेरा एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ दिया गया है, आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।